जा गया भारत माता की जय। दब्बड़ पोठा खैड़ी धड़ाट की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कलाल सेरी सियाल डींग मंग्योट बैरीपतन की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कांगड़ी बाजाबाई ठिचका चंगी कंगरियाल तला टांडा ना सूफा की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लंबेड़ी डंडेसर बगनोटी राजल हंजाना बरेरी टल्या रायपुर भाटा कमीला किला धराल की आवाम का मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत प्यार इज्जत सपोर्ट लोगों ने दी है और मैं उम्मीद करता हूँ यही जोश यही जुनून यही विश्वास हम सबका भारतीय जनता पार्टी पर बना रहेगा। जो मोदी साहब का मिशन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई शहर के गांव के गुजर बकरवाल कबीला पहाड़ी कबीला हमारे जाट बरादरी के मेरे भाई बहन मेरे बुज़ुर्ग दलित समाज एससी समाज के मेरे भाई बहन बुज़ुर्ग माताएं बहनें ओबीसी समाज सिख समाज समाज के हर वर्ग का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये प्यार ये सपोर्ट इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से इस नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को बीजेपी की जीत होगी। 5 सितंबर वीरवार के दिन सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना नामांकन अपने नॉमिनेशंस भरेगी। मैं तमाम नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के भाई बहनों नौजवानों बुजुर्गों माताओं बहनों सबसे निवेदन करता हूं कि 5 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने अपनी दुआएं देने आप लोग नौशहरा में पहुंचें। ये नॉमिनेशन जो 5 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी नौशहरा से भरेगी ये नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 85,000 वोटर्स का नॉमिनेशन होगा, ये नौशहरा के भविष्य का नॉमिनेशन होगा। दिल्ली में केंद्र में मोदी जी की सरकार है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है यूनियंस टेरिटरी जो डायरेक्ट गृह मंत्री अमित शाह साहब के तत्वाधान